नमस्कार, खबर समीक्षागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हाथ में आधी रोटी लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की, लेकिन इसके बदले में सरकार ने उन्हें नियमित तो नहीं किया बल्कि कई स्वास्थ्य कर्मियों को निष्कासित कर दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। समय जगत से चर्चा में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि जब तक उन्हें नियमितीकरण का आदेश नहीं मिलेगा तब तक वह हड़ताल से नहीं हटेंगे। राजधानी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए अनिश्चितकालीन। आप देखिए किस तरह से वो जेपी हॉस्पिटल में आधी रोटी हाथ में रखकर अपना विरोध जता रहे हैं। लंबे समय से वे नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलित हैं और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं जब मांगे पूरी नहीं हुई है, और लगातार इससे पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा गई है। लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो जब तक उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। आप देखिए किस तरह से पूरी जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है वो लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं। जो संघ के स्वास्थ्य कर्मचारी के पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो उनकी हड़ताल है उसको लेकर अब आगे उनकी क्या रणनीति है। सर, लगातार आप बैठे हुए हैं, अब क्या कुछ आगे रणनीति और आज किस तरह से विरोध जता रहे हैं? निश्चित रूप से संविदा शोषण की जो व्यवस्था है इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलंक माना है और इसको शोषण की व्यवस्था माना है। हम लोग प्रदेश के पूरे 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसी प्रकार से धरना पंडाल लगा के बैठे हुए हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण की मांग है और जब तक नियमितीकरण की मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अपने पंडालों से उठने वाले नहीं है। चूंकि विगत 25-25 वर्षों गए संविदा के आधार पर और आज हमने जो अपने पंडालों पे कार्यक्रम रखा है, आधी रोटी आधा पेट, संविदा जीवन चढ़ गया भेंट, काम तो हम पूरा करते हैं लेकिन उस काम के एवज में हम लोगों को एक तिहाई, एक चौथाई और आधा वेतन दिया जाता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देशों का पालन करते हुए समान काम समान वेतन लागू किया जाए और सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। सांसद से भी मुलाकात हुई थी, कई अधिकारियों से, क्या कुछ आश्वासन मिला अभी? जी, सांसद महोदय ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और उन्होंने संविदा की मांगों को जायज ठहराया है और उन्होंने कहा है कि संविदा कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र नियमितीकरण किया जाए। और कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से रात में बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हम 20 और 25 वर्षों से आश्वासन पर जी रहे हैं, हम ज्यादा आश्वासन पर अब नहीं जी सकते। इस बार हमारी लड़ाई आर पार की होगी और जब तक नियमितीकरण का आदेश नहीं होगा हम शासन के किसी भी छलावे और खोखले दावों पे आने वाले नहीं हैं। इस तरह का काम प्रदेश में प्रभावित हो रहा है? काम पूरा का पूरा, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो फार्मासिस्ट के दवा वितरण का काम हो, चाहे वो हमारी नर्स बहनों हो तो वार्डों का पूरा नर्सिंग का काम प्रभावित हो रहा है, चाहे वो टीबी के टेस्ट का काम हो, टीबी के मरीजों के दवा वितरण का काम हो, हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं, हमारे जो है RBSK के डॉक्टर्स हैं, तो बच्चों की स्क्रीनिंग जो है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम पूरा का पूरा चरमरा गया है। माने एक जाई तो पूरी की पूरी स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर आ गई हैं और इससे स्वास्थ्य विभाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। महिला स्वास्थ्य कर्मी भी हमारे साथ हैं जी, किस तरह से काम पर असर पड़ा स्वास्थ्य? जी बिल्कुल भी, यहाँ ज़्यादातर स्वास्थ्य विभाग में तो महिलाएं हैं जो कि गर्भधारण से लेके बच्चे के जन्म से लेके शिशु टीकाकरण पूरा करती हैं, गर्भवतियों की 4 जांचें देती हैं, जितने भी फील्ड स्तर पर पूरे किस तरीके नेशनल प्रोग्राम है, चाहे वो सास अभियान हो, TB हो, लिप्रोसी हो, मलेरिया हो, है ना, ज़्यादातर तो टीकाकरण कार्य प्रभावित हो रहा है। पूरी जो भी ग्रामीण स्तर पर जैसे हम लोग जाके घर घर जाके कम्युनिटी में जाके स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, वो पूरी स्क्रीनिंग का काम सभी स्वास्थ्य सेवाएं बंद है। तो आप देखिए जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी का साफ तौर पर कहना है कि अब हमें आश्वासन नहीं आदेश चाहिए और जब तक उन्हें नियमितीकरण का आदेश नहीं मिलेगा तब तक वे इसी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे, समय जगत, भोपाल।
खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।